बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपको वो चूजा भी दिखाता हूँ, माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक है। किसका है चूजा? हेलो, देखिए किस तरह से अपनी माँ के साथ मरेंगे नीचे। इधर मामा के पीछे भाग रहे, देखिए मैं हाथ आगे करूंगा। ये देखिए हमारा बच्चा माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया। आप सबकी मोहब्बत का, सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू आवर पेट सेटअप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल और करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैर खैरियत से, और माशाल्लाह से हमारे सारे जानवर भी खैर खैरियत से हैं। कल माशाल्लाह से आपको दिखाया कि कबूतरी के नीचे जो हमने टर्की का अंडा रखा हुआ था उसमें से माशाल्लाह चूज़ा निकल आया। अभी आपको वो चूज़ा भी दिखाता हूँ, माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक है। और आप सब ने बहुत सपोर्ट किया और लाइक किया, बहुत शुक्रिया उसका। और मुझे ख़ुद यकीन नहीं था, और फर्स्ट टाइम मैंने मतलब अपनी लाइफ में इस तरह से अपने हाथ के अंदर अंडे से चूज़ा निकलते देखा है। वीडियोस में या वैसे तो बहुत दफ़ा देखा है, लेकिन ऐसे फर्स्ट टाइम जो है ना, मैंने पहली दफ़ा मतलब अंडे से लाइव चूज़ा निकलते हुए देखा है। और अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि एक अंडे में किस तरह से वो चूज़ा बनता है, और जब वो चूज़ा अंडे से निकलता तो दोबारा उस अंडे के अंदर वो नहीं जा सकता, और अल्लाह ताला ने उसके लिए वो अंदर बहुत खुली जगह रखी होती है। लेकिन जब वो दुनिया में आ जाता है तो उसके बाद वही जगह उसके लिए छोटी हो जाती है। तो माशाल्लाह से अभी मैं आपको जाके अंदर चूज़ा भी दिखाता हूँ, वो बिल्कुल ठीक है, एक्टिव है, और वो कबूतरी उसको अपना ही बच्चा समझ रही है। अल्लाह वो चू चू करता है, और जारी बात है आपको पता कबूतरी अपने उसका तरीक़ेकार होता है कि उसने मुंह में मुंह डाल के फीड करवाना होता है, और चूज़े जो उनसे हैं वो तो पैदा होते हैं थोड़ी देर बाद ही खाना पीना खुद शुरू कर देते हैं, तो वो फिर भी उसको अपना बच्चा समझती है और उसका उसी तरह से ख्याल करती है जिस तरह से वो अपने बच्चे का ख्याल करती है। वो उसको हाथ नहीं लगाने देती, पकड़ने नहीं देती। तो आए आप अंदर चलते हैं, अंदर जाके मैं आपको अंदर की डिटेल अपडेट करता हूँ। आ जाए, आए आप अंदर चले। पानी मैंने भरने के लिए रख दिया था, ऑलमोस्ट वो भरने वाला, मैं टूटी बंद कर दूँ ताकि अंदर पानी बाहर ना गिरे। ये देखें जी, ये सारे इधर घूम फिर रहे हैं, और ये देखें जी हमारा नन्ना मुन्ना सा चूजा। हेलो, देखिए किस तरह से अपनी माँ के साथ जुड़ा हुआ है। इसको मैंने कोली में दाना इधर ही डाल दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं पकड़ने आया, उसको लगा कि मैं पकड़ने आया हूँ। नहीं मैं नहीं पकड़ता। इधर देखो, आप आ गए वापस हैं? कुछ खाया कुछ? और किधर? नीचे मारेंगे, ये मारेंगे नीचे। इधर मामा के पास आ जाओ अपनी, बाकी भी इसे मारते हैं क्योंकि अभी ये छोटा है, लेकिन यह कि थोड़ा बहुत उड़ लेता है अब। ये ठीक हो आप? इसके साथ नहीं मेरी दोस्ती हो पा रही, हालांकि डेली इसको मैं आके मिलता हूँ, लेकिन ये नस्ल शायद ऐसी है कि दोस्ती नहीं करती। वो जाके उधर देखे, ओ कैसे पीट करके बैठ गया। नहीं लेने आया मैं आपको, मामा के पीछे भाग रही। देखिए मैं हाथ आगे करूँगा। ये देखिए, देख खबरदार हाथ लगाया। इसको करूँगा, ये कुछ नहीं करेगी। ये देखिए, ये कुछ भी नहीं करती, लेकिन ये नहीं पास आने देती है। खबरदार आके आया, मारूंगी। नहीं मैं उसको कुछ कहता, चलो मौज करो। और यहाँ पे ये देखिए हमारा बच्चा माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया इसका। देखिए ये भी उस तरह से नहीं करती, रिएक्ट करती है लेकिन उस तरह से नहीं करती जिस तरह से ये रिएक्ट कर रही है। उसका अब्बा भी आ गया, उसकी बारी है। वो दाना चाना खा के आ गया ना, ये अंडों पे बैठेगा और कबूतरी उठ के जाएगी। वो चूचू कर रहा है छोटा सा। अच्छा, वो हैरान भी नहीं होती कि इसकी आवाज़ हो रहा है, वो चूचू कर रहा है। पियो पियो पानी, पियो पियो, मैं पीछे हट जाता हूँ। अब दूसरा सरप्राइज हमें मिलना है इंशाल्लाह ताला जल्दी, जो हमने उसके बच्चे अंडे रखे हुए हैं इसके नीचे उसके तितर के बच्चे निकलेंगे, तो वो सेकंड सरप्राइज होगा हमारे लिए।
और इन इसके भी और इसके भी अंडे जो उनसे ना वो हमने इनके नीचे रख दिए हैं जो वो वहां पे बैठ के ड्यूटी कर रहे हैं माशाल्लाह से। और ये भी ड्यूटी बड़ी अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। और ये देखिए जनाब, कल वाइट अंदर गई हुई थी खरगोश, नहीं आज कल ब्लैक थी, आज ये वाइट है। अंदर ना मिट्टी ठंडी होती है, सुरंगें बनाई हुई है इन्होंने और अंदर जाके बैठ जाते हैं। ब्लैक अब वो उधर जाके बैठी हुई है, फोकस खराब हो गया था। ये टर्की हमारे यहाँ पे चारा खा रहे हैं। ठीक हो? ये सारे इस वक्त बिजी हैं खाने में, कुछ खा चुके हैं, जो कबूतर खा चुके हैं वो वापस अपनी अपनी ड्यूटी पर जा चुके हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और देखिए मैं पीछे हटा हूँ, चूजा आगे आके ना माँ के साथ खाना खा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, यकीन करें। इसको ज़्यादा देर मैंने इसके साथ नहीं रखना है, क्योंकि पहले भी इसका जो चूज़ा निकला था तो हमने इसी तरह इसके साथ रखा था। और वो जब थोड़ा सा बड़ा हुआ चूज़ा, ऊपर से नीचे इधर आया तो टर्कियों ने उसको मार दिया। तो ये थोड़ा सा जब 3-4 दिन 5 दिन मैं इसको रखूँगा इधर, उसके बाद मैं इसको सेपरेट कर दूँगा। इसके लिए फिर मैं साथ कंपनी के लिए ना और चूज़े साथ ले आऊँगा, ताकि अकेला ये बोले ना, क्योंकि अकेला होगा तो फिर ये बोलेगा। इसकी उम्र के चूज़े मार्केट से ला के वो इसके साथ रख दूँगा, तो फिर ये उनके साथ सही रह लेगा, क्योंकि कबूतरी के साथ ज़्यादा देर नहीं ये रह सकेगा। जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा इसने नीचे लाजमी आना है, क्योंकि पहला चूज़ा भी जब थोड़ा सा वो बड़ा हुआ था वो ऊपर से छलांग लगाता था नीचे आ जाता था, तो वही गलती हुई इन्होंने, टर्कियों ने उसको नहीं बख्शा। तो इसलिए अब ये वाली गलती नहीं करनी, टाइम से ही ना इसको उठा लेना। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी मोहब्बत का, सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो, अल्लाह पाक हम सबके जानों माल में बरकत डाले। मिलेंगे इंशाअल्लाह कल आपसे एक नई सुबह एक नई वीडियो के साथ, ढेर सारी दुआओं के साथ। इजाजत है अपने भाई को, अल्लाह हाफिज़।